सो गाइस, तो मैं जा रही हूँ हैदराबाद। तो हो गई मेरी संक्रांति की हॉलीडेज़ और मैं अपने गांव को बाय कह रही हूँ। प्यारे प्यारे खेत, नीला नीला आसमान, प्यारी प्यारी सड़कें, इतनी अच्छी सड़कें, आजू बाजू ग्रीनरी, इतना प्यारा माहौल है। झाड़ें देख रहे हो, इमली के झाड़, खेत, ठंडी हवा, वाह माय गॉड। मैं तो अभी निकल रही हूँ हैदराबाद के लिए। तो ये रही मेरी विलेज की मस्जिद। हम बाय बाय माई विलेज, आई एम गोइंग टू राइट नाउ हैदराबाद। मैं हैदराबाद जा रही हूँ। तो ये जो भी रहेगा टाइम लैब रहेगा, क्योंकि बहुत दूर राजू बैठ के स्माइल कर रहा है। गाइस देख रहे हो कितना प्यारा सुहाना मौसम है, और टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। मैं शायद कब तक पहुँचूँगी ये नहीं पता, लेकिन तुम लोग मेरे साथ बने रहोगे। पीछे मेरे बच्चों को, दोनों को थोड़ा सा लाइट लाइट फीवर है। ये रहा, वाह वाह वाह, इन चलो मैं निकली यार। टाइम लैप पे तो एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। मेरा तो हाथ दर्द हो रहा है पकड़ पकड़ के, मोबाइल देख रहे हो आप। अभी मैं थोड़ा सा ढाबे पे रुकूंगी, थोड़ा सा चाय पीऊँगी और फिर वहाँ से निकलूँगी। मैं रुक चुकी हूँ ढाबे पे, ढाबे से भी निकल चुकी हूँ चाय पी के। तो गाइज़ मैं निकल रही हूँ हैदराबाद के लिए। तो मैं कितनी देर में पहुँचती हूँ पता नहीं, लेकिन आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। ये रहा जहीराबाद, जहीराबाद को भी टाइम लैब में ले लिया है। जहीराबाद पे भी ट्रैफिक जाम है गाइज। तो ये देख रहे हो आप, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाह 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 वाह, ट्रैफिक ट्रैफिक। इसके बाद की सारी मिमिगिरी या जो भी रहेगी, साउंड वॉइस प्रणीत देगा गाइज। तो बाय बाय एवरीवन। तो प्रणीत की वॉइस सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सॉरी, तो प्रणीत वॉइस नहीं देगा क्योंकि वो सो रहा है। तो मैं पीछे बैठी हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। हाथ बहुत दर्द लगा है। वो ट्रॉला घुस गया क्या ये? अरे भयंकर एक्सीडेंट हुआ, मतलब सामने से कोई टक्कर मारा क्या इसको? नहीं, पीछे वाले को मारे होंगे। वहाँ गाड़ी ठहरे थे होंगे, उसको लेकर को लगा है। ओके, रोड का भी काम चल रहा ना राजू, ये उसमें हुआ क्या, आदमी मर गया क्या? तो गाइस जब भी मैं कहीं एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी देखती हूँ, छोटा सा भी इंसिडेंट, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैबत और घबराहट हो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगता है। तो मैं अभी टाइम लैब ऑफ करके स्लोली स्लोली करके दिखा रही हूँ, क्योंकि टाइम लैब में बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें थी जो रोडों पर दिखाई देती है, जो भी हो। तो गाइस मेरे कार में गाना बज रहा था, जो भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को नहीं सुनाई देगा क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है उसके लिए। तो गाइज़ ये बहुत फेमस होटल है जहाँ पे मैं चाय पीने के लिए रुकी हूँ, मैं हर बार रुकती हूँ। तो मेरी डॉटर को लिटरली बुखार आ चुका है और मेरे बेटे की तबीयत भी ख़राब है क्योंकि वो भी टायर्ड हो चुका है। हेलो प्रणीत, ओके हेलो बोल दिया है वो। हेलो श्याम, वो भी हेलो बोल रही है क्योंकि आप लोग को नहीं सुनाई देगा क्योंकि मैंने उस वॉइस को म्यूट किया है। तो गाइस बच्चों की हालत देख रहे हो, हम कभी भी गाँव जाते हैं तो बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों को, और अब के ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मेरी बेटी को मेरा बेटा बोल रहा है कि तू उड़ के सो जा क्योंकि तेरी तबीयत ख़राब है। राजू चाय लाने के लिए गया है और मैं चाय पीऊँगी, तो यहाँ से सीधा निकलूँगी। तो मैं डायरेक्ट अपने घर पहुँचूँगी, रास्ते में कहीं भी जो भी एरिया आते हैं तो मैं दिखाऊँगी। तो किससे बात कर रहे हो प्रणीत? लगता है वो अपने दोस्त से बात कर रहा है। तो बच्चों की आंखें देखो कितनी लाल लाल हो चुकी है। तो मैं रिंग रोड चढ़ूंगी, यहाँ पे ज़्यादातर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ चाय पीने रुकते हैं। मैं हमेशा जब गांव जाती हूँ तो रुक जाती हूँ। तो ये देखो यहाँ की चाय कैसी लगी। तो अब मैं ये चाय टेस्ट करके बताऊँगी आप लोगों को कैसी है। गाइज मेरा चेहरा देख रहे हो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब ज़्यादा टैंक भर चुका है। पीछे मेरे प्रणीत का भी चेहरा बहुत काला पीला हो चुका है, मतलब दोनों बच्चों का। गाइस ये देखो प्रणीत, क्या हो गया बेटा? तो ये है होटल, हम चाय जो पी रहे हैं। तो आप लोग कभी भी यहाँ पे मुंबई ट्रैवल करते तो यहाँ पे चाय पिएगा, बहुत अच्छी रहती है चाय। तो ये गुम्मस देख रहे हो, मैं बचपन से देखती हूँ ये गुम्मस। मैं प्रणीत को भी बता रही थी कि बेटा ये गुम्मस है जो मैं बचपन से देखती हूँ अभी तक है। तो प्रणीत ने कहा कि मम्मा एक बार रिकॉर्ड कर लो, तो ठीक है मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो मैंने चाय भी पी लिया है, मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से, काफ़ी दूर आ चुकी हूँ। मैं शायद BHL रोड पर आ चुकी हूँ क्योंकि मैं अब हाईवे नहीं चलूँगी, क्योंकि मैं हाईवे, राजू है ड्राइवर साथ में, तो मैं बिल्कुल भी हाईवे नहीं चढ़ूँगी। मैं डायरेक्ट एरागड्डा रोड वगैरह आ रही हूँ, तो वहाँ से आ रही हूँ। टोल गेट बंद है,
कुछ टोल गेट के पास आप लोगों को नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि स्कैनर है, मेरा फास्टैग है, तो ज़्यादातर पता है। तो हम आ गए हैं BHE। चुके हैं मियापुर और मम्मी फोन पकड़ पकड़ के थक गई है, तो मम्मी ने फोन मेरे को दे दिया है। हाथ दर्द हो रहा है यार तुम लोग के लिए ब्लॉग बना बना के, और तुम लोगों का आईफोन बहुत भारी भी रहता है। हाँ वजन रहता है, मेरा आईफोन बहुत वजन है। तो ये देखिए हम आ चुके हैं मियापुर और डिंपल को बुखार आ गया। हाँ डिंपल को बहुत ज्यादा फीवर है भाई। सैम बुखार है ना आपको? हम आ चुके हैं JNTU। ओके फुल ट्रैफिक है अभी, तो अभी पहुंचने मुझे एक घंटा लगेगा घर, तो सेफली मैं घर जा रही हूँ। थोड़ा मैंने टाइम लैप लिया है, थोड़े वीडियोस लिए हैं, बस एक जगह हम चाय पीने के लिए रुके हैं और सीधा ये देखो क्यूटी पाई को देखो, ये देखो क्यूटी पाई क्या कर रही है, उतर बम दिखा रही है अपना। ज्यादा टायर्ड हो गए हम लोग यार, अब अमीरपेट। अमीरपेट नेक्स्ट स्टॉप अमीरपेट आ गया क्या? मे बी मेरा गड्ढा चले गया। बालनगर चौरस्ता सुना प्रणीत? तो गाइस हम आ चुके बालनगर चौरस्ता। यहाँ पे जितने चाहे उतने शॉपिंग मॉल्स हैं, जो चाहे वो खरीद सकते हो। और राजू हमारी कार में से बाहर पान खा के थूक रहे हैं। ये देखो ट्रैफिक फुल जाम है भाई साहब, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। सॉरी सर, जवान जवान पढ़े लिखे बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं देखे हो। क्या है वो पता नहीं,
कुछ बच्चों के खेलने की चीजें हैं। मैं आ चुकी हूँ मूसा पेट, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सिक हो गई, मतलब बीमार हो गई हूँ, और मुझे फीवर भी आने वाला है। वैसे मेरी डॉटर को तो फीवर आ चुका है, वो सो रही है। मेरा कमिंग सून, हाँ उसको कमिंग सून है। ये देखो क्यूटी पाई की हालत, घर का कुत्ता, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का बोले जैसे ऐसे बैठी है। तो मैं ब्लॉगिंग यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। तो जल्दी से तो मैं अभी मैं सिर्फ आपको मैं अपने घर के पास ही मिलूँगी, घर के पास हाय बोलूँगी, ब्लॉग एंड करूँगी। बाय एवरीवन। तो घर के पास, ओके प्रणीत ऑफ कर लो। बाय। तो गाइस अब हम आ चुके हैं रगड़ा, और मैं सोच रहा था कि मम्मी को यहाँ पे ज्वाइन करा दूं। क्यों? यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल है। अच्छा तो सबसे पहले तू ज्वाइन हो यहाँ पे। मुझे ज्वाइन करवाना क्यों? देख रहे हैं या इसे ज्वाइन करवाना पड़ेगा। मैं बहुत थक गई हूँ। आप सबसे ज्यादा तो पीठ पे थक गई है ये, देखो। और मैं भी बहुत थक गया हूँ, सर भी दुख रहा है। अमीरपेट तक आ चुकी हूँ मैं। अमीरपेट गुट्टा सेंटर, हैदराबाद सेंटर। कौन बोले नहीं, 36 बार आए हो तुम यहाँ पे? आया बहुत बार। फिर बिरयानी खाना है? या यस। ओके सो गाइस मैं कहाँ आ गई हूँ प्रणीत? हम आ चुके हैं लकड़ी का पुल। ये लकड़ी का पुल है राजू? हाँ लकड़ी का पुल पार कर लिए। असेंबली है क्या? हाँ असेंबली है यहाँ पे, असेंबली। और ये पदोड़ी पादों पे पादों मार रही है बाद में। पदोड़ी छोटी पदोड़ी तो गाइस अब हम आ चुके हैं नामपल्ली। नामपल्ली में हैं हम। दिख रहा है सामने नामपल्ली? हाथ हटा दो। तो आप लोग गांधी भवन है, गांधी भवन नामपल्ली के गांधी भवन तक आ चुके हैं। गांधी भवन में हैं हम, मैं नहीं है के पास है। दिख रहा सामने? वो यह दिख रहा है गांधी भवन। ये देखो गांधी भवन कर दो। और हम आ चुके हैं मोजमजा मार्केट। और बज गए हैं? और अभी बज रहे हैं चार। वहाँ पे घड़ी पे दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है। ओके हम चार बज, हाँ चार, हाँ बताए ना। और ये झाड़ बीच में आ रहा है इंडिया फ्लैग के। हमारी कुतिया को भी दिखाया? ये कुतिया बहुत अच्छी कुतिया है, बहुत अच्छी कुतिया है, प्यारी कुतिया है। अंकल पेटली कुतिया है। ये कौन है फिर? कौन ऊपर दिखा बगल? ट्रैफिक जाम है भाई। कितने बजे निकले थे राजू? ट्रैफिक तो भयंकर है गाइस। मैं घर आ चुकी हूँ, बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ और बहुत थक चुकी हूँ। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो प्रणीत है बाहर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियोस मत भूलना, और अब से मैं यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी क्यूटी।